नैना देवी के विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने स्थानीय प्रतिगृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में निर्माण कार्य के टेंडर को लेकर सवाल या निशान लगाए हैं। उन्होंने बताया कि ये टेंडर गुड़गांव में एनपीसीसी द्वारा गत 28 मई को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नाम पर करवाए। उन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया पर सवाल या निशान लगाते हुए कहा कि कॉलेज भवन के लिए 28 मई को 3 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा टेंडर खुलने का समय 3:30 बजे निर्धारित किया गया था और 3:30 बजे ही इस टेंडर की प्राइस बिड फाइनल की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। ठाकुर ने कहा कि इससे बड़ी हैरानी का विषय ये है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी ने 2 मई को ही बंदलाधार पर आकर भूमि पूजन कर दिया तथा किराए पर मकान तक ले लिया। उन्होंने कहा कि ये बात समझ नहीं आ रही कि इस कंपनी को कैसे पता चल गया कि टेंडर उसे ही मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि इस टेंडर के लिए 2 कंपनियां फाइनल की गई थी और टेंडर जिस कंपनी को दिया गया उसने 100 करोड़ 5 लाख रुपए भरा था जबकि दूसरी कंपनी ने 92 करोड़ 50 लाख का टेंडर भरा था। नियमानुसार कम रेट वाली कंपनी को टेंडर दिया जाना चाहिए लेकिन ये टेंडर करीब 9 करोड़ अधिक राशि वाले व्यक्ति को दिया गया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि इससे भाजपा की ईमानदारी लोगों के सामने जग जाहिर हुई है। उन्होंने कहा कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की कक्षाएं भाजपा ने बिलासपुर में इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू करने का वायदा किया था। गत चुनावों में भी इसी चुनावी मुद्दा बनाया गया था तथा सत्ता प्राप्ति के बाद बिलासपुर शहर व आईटीआई में स्थानीय विधायक ने डीसी के साथ दौरा भी किया था। शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है लेकिन इसके बावजूद अभी तक कॉलेज की कक्षाएं बिलासपुर में शुरू होने के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है जिससे भाजपा की कथनी व करनी में लोगों को अंतर नजर आ रहा है। इस अवसर पर उनके साथ जिला परिषद अध्यक्ष अमरजीत बग्गा व जिला कांग्रेस महासचिव संदीप संख्यान भी मौजूद रहे। और अभी टेंडर भी नहीं खुले। मैं आपको और बताना चाहूंगा क्योंकि हमने थोड़ा मौके से भी जाके वो लिया कि इन्होंने क्या किया कि जिस कंपनी को ये टेंडर देना था उस कंपनी ने जो है वो पहले ही जो है वो इसका काम शुरू कर दिया। एंड देखो उन्होंने भूमि पूजा कर दी 2 तारीख को 2/5 को जिन अभी 28 तारीख को टेंडर होगा 2 मई को कर दिया 2 मई को जो है 28 मई को टेंडर होगा 2 मई को 2 मई को भूमि पूजन हो गया उसका और उन्होंने जो है वहां पे मकान भी ले लिए वहां पे मैन पावर को भी लेके आ गए और उन्होंने क्या किया हायर्ड अकोमोडेशन लेके जो है उस साइट के ऊपर जो है वो सारी तैयारियां भी कर दी वो कर दी 2 तारीख को। मेरे को आप ये बताओ कि क्या उनको क्या पता था कि तुम्हारे को खुलेगी। ये बहुत बड़ा एक घोटाला है और मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी ना खाने देंगे ना खाने दूंगा। देखो इस तरह वो क्या हो रहा है ये देखो नीचे क्या क्या हो रहा है और ये अगर देखा जाए बिकॉज ये जो कॉलेज चलेगा ये चलेगा इसको बाकायदा तौर पे डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश जो है वो इसको चलाएगा सेक्रेटरी जो है वो उसको चलाएगा। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि ये जो सारे एक भ्रष्टाचार का जो नमूना सामने आ रहा है इसके ऊपर जो है वो ना मंत्रियों का ध्यान जा रहा है ना डिपार्टमेंट का ध्यान जा रहा है और इसमें मैं कहूंगा कि ये जो डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये हमारा यहाँ का होगा